राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है, वहां पायलट गुट के विधायक राकेश पारिक ने उन्हें गद्दार बताए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने राजस्थान कांग्रेस में चल रहे विवाद को सम्मान की लड़ाई बताया। वहीं दिल्ली दौरे पर पहुंचे सचिन पायलट भी आज जयपुर लौटेंगे। ये जो आपने शब्द सुने हैं फिर एक बार कि आप गद्दार हैं, देखिए ऐसा है, मैंने कांग्रेस में बरसों से काम किया है। आप तो सेवा दल के अध्यक्ष भी, मैं सेवा दल का अध्यक्ष रहा, यूथ कोऑर्डिनेटर रहा, यूथ कांग्रेस में प्रदेश महामंत्री रहा और पूरे देश में कोऑर्डिनेटर के रूप में भी हमने काम किया। सेवा दल का जिला अध्यक्ष भी रहा, मैं सरपंच भी रहा और मेरे पिताजी पूरे खादी पहनने वाले कांग्रेसी थे, 45 में कांग्रेस के मेंबर बने थे। मेरे घर पे आज भी कांग्रेस पार्टी का झंडा लगा हुआ है। अगर सच्ची बात कहना गद्दारी है तो रोज कहेंगे, लेकिन गद्दार आदमी वो कह रहा है जो 3 साल में 3 जगह पार्टी बदल गया। वो माननीय सदस्य पहले बीजेपी में युवा बोर्ड मेंबर थे, वो माननीय सदस्य बसपा के टिकट पे हाथी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव जीत के हमारे वरिष्ठ नेता उनको चुनाव हराए दुरुमिया साहब, और उसके बाद उनके फटफड़ी आई, बिना राज रह नहीं पा रहे थे तो छह के छह कांग्रेस में आ गए। आज ये बताओ हम गद्दार, हमने हाईकमान से मिलना गद्दारी है क्या? आज हम लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ विधायक दल का नेता चुना, पार्टी ने गलव साहब को हमने वोट दिया, हमने अविश्वास 10 महीने पहले आया कांग्रेस में वोट दिया। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 10 महीने पहले आपने एक बार पार्टी का साथ छोड़ा, बगावत की थी, बेवफाई की थी। कहाँ छोड़ा, हम तो पार्टी के साथ ही तो हैं। केरल के